ये रहा प्रोटीन शेक। हम शरीर क्या हुए, लोग बदमाश बन गए ना, जब हम बदमाश में उतरेंगे ना। वो डायलॉग कहाँ गया? क्या खड़ी कर रही है, लेके आ रही है, मेरे को बुला लेती। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की व्लॉग के स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह सुबह से। तो अभी नाश्ते का टाइम हो रहा है सबका, तो सब नाश्ता कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं जिम, क्योंकि सुबह का वर्कआउट ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है और सुबह थोड़ा सा ढड़ू भी ऐसा कहते हैं कि मजा आता है वर्कआउट करके, थोड़ा सा वो भी हैवी उठा लेते हैं। बाजी बदल लिया साला, मतलब एनर्जी रहती है बॉडी में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह जिम और मेरे दिमाग में आया है एक आइडिया, क्यों ना सुबह सुबह मजाक किया जाए ढड़ू के साथ। मैं ना अभी उनके शेकर में प्रोटीन शेक डाल रही थी, तो मुझे आइडिया आया क्यों ना कुछ किया जाए। कि वो बोलते हैं ना कि जिम में मुझे कोई किचकिच नहीं चाहिए, कोई ड्रामा नहीं, कोई प्रैंक नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अभी मैं ये प्रोटीन शेक निकाल दूंगी और इसमें भर दूंगी आटा, तो वो देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। हाँ, इसमें आटा मत भर देना। क्या भरना फिर? दवाई क्यों? और जिया को गिफ्ट पसंद आया जो भाई ने दिया था, कि गिफ्ट पसंद आया, पसंद इतना पसंद आया कि ये देखो इसकी ये ड्राइंग चल रही है, ये गत्ते फाड़ फाड़ की, ये कलर से बहुत ज्यादा प्यार है ना तुझे। हाँ जी, मगर कलर बहुत ज्यादा पसंद आया ना। तैयार हो गए? रेडी? डैडी इज रेडी। ओके, बस आ रही हूँ फिर मैं, बैग पैक कर दिया। क्या 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 जिम के लिए? जिम के लिए मैं तैयार रहता हूँ हमेशा। वाह, आए मैं जल्दी से शूज वूज पहनो, ठीक है? यहाँ हर्षी भी आ गई है। ओ बाप रे, भाई 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 भाई, अब ये बहन है, ये रक्षाबंधन के दिन सिर्फ भाई। हाय हाय, आटा भी खत्म हो रहा है, आटा भी चलो अभी का काम चल जाएगा मेरा। ये रहा प्रोटीन शेक और अब फटाफट से ढड़ू के भरती हूँ प्रोटीन शेक में, मतलब शेकर में ये प्रोटीन शेक। तो ये रहा हमारा प्रोटीन शेक, आ गया। अरे तू क्या कर रही है यहाँ? आटा गूंद रही थी। कौन सा आटा? ये आटा भी है, प्रोटीन शेक है ये। चल आ जा, मेरी वीडियो बना। तो कैमरा मैन हमारा खतरनाक है, तेरी डैडी आ जाएगा, चला डैडी आ जाएगा। तो इसके बाद अब भरती हूँ ये आटा। बस भाई, प्रोटीन शेक ये हो गया। नहीं आ रही, नहीं आ रही, बाथरूम में भी। तो गाइस, काम तो मैंने अपना कर दिया, अब इससे आगे जो भी होगा जिम में होगा, रिएक्शन देखने में मजा आएगा, पसीने छूट रहे हैं मेरे तो अभी से। तो बस हम लोग निकल रहे हैं जिम के लिए, अभी बहुत टाइम हो गया, एक घंटे पहले तैयार हुए थे, एक घंटे बाद निकल रहे हैं। और जो टॉय हम लेके आए थे जिया के लिए, तो इसका ना नट लगाना वो भूल गए हैं और ये थोड़ा चलने में ना इसका नट निकल जा रहा है, तो सेल इसके लग नहीं रहे, काम नहीं कर रहे हैं, रुक जा रहे हैं वहीं पर। और इसको देखो, स्पाइकी, स्पाइकी तू भी जाएगी जिम हमारे साथ? चल जा अंदर, जल्दी जा, जान दे, जा जल्दी जा, चली जाएगी अंदर, अब हम भी जाते हैं फटाफट। धूप लग रही है आँखों में एकदम से, जब भी हम सोचते हैं ना जल्दी से जाए, वर्कआउट खत्म करके आए, तब भी लेट होता है। 8 बजे हम निकलने वाले थे जिम के लिए, 10 बज गया, पता है आपको कुछ कि नहीं? क्या करें, क्या करें, पता तो है टाइम से, टाइम के, टाइम के कच्चे हैं, कच्चे वाली बात नहीं है। यहाँ से गाड़ी जाएगी ना, वहीं से चलो, और भी काम होते हैं, घर गृहस्थी, चूल्हा चौखा, चूल्हा चौखा नहीं कहते, रोटी सब्जी, ये भी काम होते हैं ना? नहीं यार, जबकि ये औरतों के काम होते हैं, ये हमारे काम होते हैं, सब काम खत्म करके हम कहते हैं चलो टाइम से चलते हैं, 8 बजे चलना है जिम। हमारे काम ही नहीं यार, कोई ऐसा ऐसा कोई कह रहा है कि काम नहीं होते, होते हैं काम, तो औरतों की जैसे फटाफट करो ना काम, शिट 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 शिट। मेरा वर्कआउट हो गया फिनिश और ढड़ू अभी भी कर ही रहे हैं वर्कआउट, तो मैं क्या करूँगी ना, मैं नीचे जाऊँगी वॉशरूम में, इनका शेकर भी लेके जाऊँगी, तो ढूंढते रह जाएंगे, मुझे तो पूछेंगे कि मेरा शेकर तुमने देखा किधर है, और फिर इनको खिलाऊंगी मैं स्पेशल वाला प्रोटीन पाउडर। वो देखो वहाँ पे कर रहे हैं अपना वर्कआउट। ये रहा प्रोटीन शेकर। अब ये बताओ, आज तो खाओगे ना सैलेड? मैं तो सैलेड खा रही हूँ, फिर बाद में मत पूछना कि सैलेड में कौन सा प्रोटीन होता है। सैलेड में प्रोटीन यार पनीर नाम की भी चीज होती है, पनीर में तो होता है ना। आप तो अपना प्रोटीन पाउडर पी लेते हो, मैं तो रह जाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद ये भी करना है मैंने, अब सब बढ़िया वाला प्रोटीन लेना है, ठीक है?
ऐसे ही कोई प्रमोशन ही कर रहा हूँ। मैं तो खा लूँ फिर अभी सैलेड। हाँ हाँ पनीर ऐड कर देना, पनीर ऐड करना, पनीर में तो मिलेगा वरना तो सब सैलेड ही सैलेड होता है। Oh no! क्या हुआ? पियो? क्या हुआ? अच्छा नहीं है? ये भी मिर्ची वाला पिलाओ। मिर्ची वाला आ नहीं पियोगे? ये भैया को भी ना हमने जोलो चिप खिला दी थी एक बार, बोले थे क्या है क्या मिर्च वाला है क्या मिर्च मिर्च कटी जा रही, तो जोलो चिप थोड़ी सी खिला दी थी ना, तो इनके इतनी मिर्च लगी, बोल रहे आज मैं नहीं पीऊंगा, आज टेस्ट नहीं करूंगा। हाँ जी पनीर ऐड कर देना, बोलो पनीर ऐड नहीं करते। इसमें क्या ऐड किया? आटा है। मतलब वेरी गुड यार डुडू, आटे की पहचान है आपको, आटा खत्म हो गया लाना है फिर हम। आप शेर तो मैं सवा शेर। घर पे हमारे साथ इतना कुछ करते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते, कह नहीं रहे कुछ, चलो ठीक है। और जिम से बाहर जाएंगे ना फिर कहेंगे देखो। सब छोड़ दिया मैंने, सब पता है। अच्छा ये सब शरीफ बन गए हम ना, शरीफ बन गया बस। तो हम शरीफ क्या हुए? बदमाश बन गए हम। शरीफ क्या हुए? लोग बदमाश बन गए ना, जब हम बदमाश में उतरेंगे ना। वो डायलॉग कहाँ गया? क्या खड़ी कर देंगे वो डायलॉग कहाँ गया? मैं बदमाश, मेरा बाप बदमाश, जिस दिन बोल रहे थे ना, अब आ गए शराफत में। कोई नहीं बदमाशी दिखाएंगे, रुक जाओ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जिया की दवाई लेने के लिए, हफ्ते की दवाई दी थी डॉक्टर ने तो वो ख़त्म हो गई है, और अभी प्रॉपर जिया के पैर में ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा है, मतलब स्वेलिंग सही है, स्वेलिंग नहीं हो रही है कुछ, बस रेडनेस है। उस रेडनेस को डॉक्टर ने बोला अभी लग जाएगा, एक डेढ़ महीना लग जाएगा ठीक होने के लिए, तब तक दवाई चलेगी। तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग। ये देखो इसको, इसको देखिए कोई कहेगा बीमार है ये, उल्टे उल्टे काम। टीका लगवाएंगे तेरे को। हाँची भी जाएगी हमारे साथ, हाँची भी जाएगी, क्योंकि ना ये ना गाड़ी में जब जाते हैं ना, गाड़ी में बहुत ज्यादा खुश होती है, इसको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती है ना। जो मेरी थोड़ी पैर की स्पेलिंग है ना वो बढ़ती जा रही है, रेडनेस हो रहा है वो, कभी वो अभी मेरे इस हाथ में हो गया, ये पास में से मेरे हाथ में हो रहा है, कभी पैर में हो रहा है, कभी सिर में, यहाँ पर कभी सिर सूज जा रहा है, कभी यहाँ पर दर्द हो रहा है मेरे, इसीलिए स्पेलिंग ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास अभी जा रहे हैं। और जो रेडनेस को भी अभी दवाई को चलने से रेडनेस ठीक ठीक हो जाएगा। बस हो गया हो गया हो गया, चलो आ जाओ, चल अब आ जा कर जा। तो अभी ना हम हर्षी का रिएक्शन देखने वाले हैं, हम सब गाड़ी में बैठ जाते हैं, देखते हैं हर्षी रोती है नहीं रोती है। चल चल बैठ बैठ, बाय हर्षी, हर्षी बाय, रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ, रुको खोलो शीशा खोलो। बाय हर्षी, बाय बाबा, बाय बाय, आना आना आने आने शुई। तो अभी हो चुकी है शाम और सोच रहे नारियल पानी पी के फिर जाते हैं। नारियल पानी डॉक्टर ने बोला है कि पीना है जिया को सुबह शाम, इम्यूनिटी थोड़ा इसकी सही रहेगी और जल्दी रिकवर हो पाएगी, इसलिए पकड़ 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 पकड़, मिठू मिठू बांध लगाना, निकलेगा पानी इसमें से। अरे उस दिन निकल रहा था बड़ी जोर से, बहुत सारा पानी है में। ये लो पकड़ो बेटा, पकड़ो इसको, पकड़ो पूरा नारियल पानी पकड़ो। एक नंबर वाली है ना, दो नंबर वाला में कम पानी रहता है। सुबह हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल बड़े चलते, और मैंने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, यहाँ से उठने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, मतलब यहाँ से उठ जाती है गाड़ी, तो इसलिए मैंने जो लाइन है इसके अंदर अंदर करी है, ये इसके ऊपर चढ़ाई है आधी गाड़ी मैंने। रुको रुको इधर है सड़क है बेटा, यहाँ पर है। सुबह अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं, रात के 10 बज गए हैं डॉक्टर, मतलब अब जाके बारी आई हमारी,
और डॉक्टर भी सेम वही चीज कह रहे हैं, ये वाले भी कि 2 से 3 हफ्ते लगेंगे और ये ठीक हो जाएगा, इसको टाइम लगता है थोड़ा ठीक होने में। तो उन्होंने मेडिसिन चेंज कर दी जो पहले खा रहे थे दवाई, बोला कि अब बंद कर दो, अभी उन्होंने चेंज कर दी दवाई। तो शायद मेरे हिसाब से डोज थोड़ी ज्यादा हाई वाली डोज दी है, तो फिर देखते हैं क्या होता है उसके। आज फिर दोबारा मतलब रैशेज दोबारा रेड रेड पैचेस के बनने शुरू हो गए और स्वेलिंग होनी शुरू होगी, तो इसलिए हम लोग इसको लेके आए थे। पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो जाता है यार जब ऐसा कुछ होता है ना। तो बस यही रीजन है कि आप लोग व्लॉग भी थोड़ा लेट मिलता है, अब समझ नहीं आता क्या आप वीडियो क्या ही बनाए। आप लोग इधर उधर हॉस्पिटल में आप देख रहे हो, हम आए दोपहर को थे और अब जा रहे हैं रात के टाइम 10 बजे। बेचारे उसको हर्षी को जिया को भी भूख लग जा रही है, हर्षी का चलो खाना लेके आए हैं, अब जिया को जाए कुछ खिलाते हैं, उसको भूख लग रही है, टाइम भी हो गया उसको खाने का। ये ऐसे लेके आ रही है, मेरे को बुला लेती पागल झांसी की रानी। एक मिनट जरूर, पैर में दर्द हो रहा है ना जिया के। आज बेटा आ जा, चलो भाई सामान हर्षी का पैक। तो गाइस रात को जब हम जिया की दवाई लेके आए थे तो उस समय हमने हर्षी को वैक्सीनेशन पे लगवा दी, क्योंकि उसका टाइम हो चुका था, मतलब 5 से 6 दिन आगे बढ़ चुके थे, वैक्सीनेशन उसकी वहीं से लग रही थी। तो उसको वैक्सीनेशन लगवाई तो उसके बाद उसको बुखार आ गया बहुत तेज। रात को डॉक्टर ने बोला था बुखार तो नहीं आएगा, टीका भी हमने पेनलेस लगवाया है, बट पता नहीं क्यों बुखार आ गया और बुखार 101 102 तक पहुंच गया। तो अभी इसको हर्षी को लेके जा रहे हैं, जिया भी ठीक है तो वो भी रेस्ट कर रही है, अभी हर्षी को लेके जाते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन से ना बुखार आ ही जाता है नॉर्मली, बट इतना ज्यादा बुखार आता है, पैरास्टामोल भी दिया था डॉक्टर ने बट पता नहीं क्या दिक्कत है, बुखार रुक ही नहीं रहा था। सुई सुई लगा दी ना अनएक्सपेक्टेड, इसको बताया भी नहीं है इसलिए। तू क्या बताया, ये इसको पता है वैक्सीनेशन लगाते थे पर पता नहीं क्यों हर बार नहीं होता था, इसी बार क्यों हो गया पता नहीं। और पूरा रात को 102 बुखार, 101 बुखार, अभी भी 100 होगा इसको। और अभी सुबह के 9 बजे हमने कहा सुबह सुबह चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन जब हम लोग गए थे दोपहर के टाइम में रात हो गई थी, और अभी सुबह जा रहे तो हमें दोपहर हो जाएगी, 11 बज गया था, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं थोड़ा जल्दी। और जब ना हर्षी हंसती नहीं है ना, मतलब जैसे उदास होती है रोती है, उस समय हम क्या करते हैं सुनो, एक रील दिखाते हैं, खुश रहती है वो भी रील आपको दिखाते हैं, कौन सी वाली है ये वाली। इसको पता लगता है कि मैं हूँ करती हूँ हर्षी की रील है, सिर से लगा के दिखाओ, जब पलटती है ना मैं तब देखती हूँ, तब ज़्यादा खुश होती है। तो गाइस अभी हर्षी की दवाई लेके आ गए हैं और डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉर्मल फीवर हो रखा है इसको। तो हर्षी बोला ना कान खड़े हुए, ये उब्बू ठीक है बेटा, हाँ ठीक है अभी ये, तो चलते हैं। डॉक्टर ने बोला कि इसको अभी बाबू रुक जा मैं बताता हूँ आप मत बताओ मेडिसिन दिया नॉर्मल और बोला कि कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, 4-5 दिन बाद आना एक बार दोबारा, तब तक बुखार हट जाएगा। और अभी थोड़ी एक्टिव भी हो गई है, अभी थोड़ी ठीक लग रही है, ये बच्चों का ना हमेशा होता है, डॉक्टर के पास जाओ तो ठीक हो जाती है। अब जाकर टाइम मिला इसका भी नट पेच लगवाने का, इसका जो नट था निकल गया था, इधर ना सेल का नट थी वो निकल आया सीधा, वो पा दे वो जो जंप करता ना निकल गिर जाता थे सारे। गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं और हर्षी को मैंने दवाई खिला दी है और उसके कपड़े कपड़े चेंज कर दिए, तो आराम से सो रही है ये देखो, और अब ये भी आराम से सो रहे हैं। सो गए, खाना तो खा लिया ना, चलो ठीक है सो जाओ आराम से। और आप लोग कमेंट करते हो कि आपके ब्लॉग डेली नहीं आते नहीं आते, तो गाइस हम लोग सोचते हैं कि डेली ब्लॉग करें हम, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो फैमिली में ही हम घुसे रहते हैं, एक की दवाई लाना दूसरे की दवाई लाना। तो अब आपको मिलेंगे आगे वीडियोस, तो हमें ये भी होता है फिर बच्चे बीमार हैं तो हम क्या वीडियो बनाए, फिर हमें ये होता है कि लोग भी हमारी फैमिली हो तो हमें होता है कि हमें आपको अपडेट देनी चाहिए, तो जैसा भी होता है जो भी होता है हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, बस अपलोड नहीं कर पाते तो थोड़ा लेट हो जाता है ब्लॉग आने में। तो अब आपको मिलेंगे डेली डेली ब्लॉग, तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं और हर्षी भी उठ गई है। तो आई होप गाइज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।